Good morning, kids. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. बच्चों, आज हम ना स्पेशल बात करते हैं, ठीक है? ये क्या लिखा है? आप बताओ. इसका मतलब होता है गुड टच बैड टच. क्या होता है? गुड टच बैड टच. वेरी गुड. इसके बारे में किसी को पता है? नो. मैं बताती हूँ आपको. अच्छा ये बताओ, किस किस के घर में डॉग है? आपके घर में है, आपके घर में भी है. वेरी गुड. जब आप अपने डॉगी को प्यार करते हो, हाथ से पकड़ते हो, तो वो क्या करता है? वो बहुत खुश होता है मैम. जीभ निकाल के पीछे पीछे चलता है. हमारे साथ खेलता है मैम. वो प्यार से अपनी पूंछ हिलाता है मैम. पूंछ भी हिलाता है? कैसे हिलाता है? ऐसे ऐसे हिलाता है. सो क्यूट. और अगर मान लो कि हम किसी स्ट्रे डॉग को अगर टच करते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, तो वो क्या करेगा? ओ मैम, काट लेगा. काटता है, भौंकता है. क्यों? नहीं पता? मैं बताती हूँ. क्योंकि जानवर को भी पता होता है टच अच्छा होता है या टच बुरा होता है ना? इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, गुड टच बैड टच. ठीक है, समझ में आया? मैं आपको डिटेल्स में समझाती हूँ. जैसे देखो, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दिखाई देते हैं, है ना? अच्छा आप बताओ कि मेरी बॉडी के कौन से पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? हैंड्स. वेरी गुड. फेस. वेरी गुड. नेक. वेरी गुड, है ना? अगर इन पार्ट्स के अलावा कोई और दूसरा इंसान हमें टच करता है जिसे हम नहीं जानते, आप नहीं जानते हो, तो हमें बुरा लगता है, वो है बैड टच. समझ में आया? बच्चों, हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन पे हमें किसी का भी टच अच्छा नहीं लगता. मैम, वो कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? मैं बताती हूँ आपको. बताओ, आप में से कौन कौन स्विमिंग जानता है, स्विमिंग करने जाता है? स्विमिंग करते टाइम जो बॉडी के पार्ट्स हमारे ढके होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स. ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, जिसे छूने का हक किसी को भी नहीं होता. किसी को भी नहीं मैम? किसी का भी नहीं मतलब किसी का नहीं. मान लो आपके मम्मी पापा आपको नहला रहे हो, आपके कपड़े बदल रहे हो, या डॉक्टर आपकी मम्मी के सामने चेकअप कर रहे हो. इसके अलावा कोई भी आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को ना देख सकता है और ना टच कर सकता है, और ना ही आप किसी के प्राइवेट बॉडी पार्ट को देख सकते हो और टच कर सकते हो. समझ में आया? मैम, अगर कोई हमें बैड टच करे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई इंसान आपके पास आता है और जिसे आप जानते हो, नहीं जानते हो, और आपके पास आकर कहता है कि ये हमारे बीच का सीक्रेट है, ये आप अपनी मम्मी पापा को मत बताना, तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? नो. नो. क्या बोलेंगे हम? नो. और हमें भाग के जाना है और वहाँ जाना है उस इंसान के पास जिस पे आपको पूरा भरोसा है. आपको पता है किसके पास जाना है? मैम, हमें किसके पास जाना चाहिए? ये सेफ सर्कल है. क्या है? सेफ सर्कल. अब आप बताओ कि आपको घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन कौन करता है? मम्मी. मम्मी. ये है मम्मी. वेरी गुड. और पापा जी. पापा. वेरी गुड. नानू. नानू बहुत प्यार करते हैं. वेरी गुड. दादी. दादी. आप इनसे सारी बात शेयर करते हो? यस मैम. वेरी गुड. मामू. मासी. मासी. वेरी गुड. दादू. दादू.
आपको इनके पास जाना है जो सेफ सर्कल में है और इनसे अपनी सारी बातें शेयर करनी है और सारी बातें बतानी है, क्योंकि आपके और इनके बीच कोई भी बातें छुपी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? समझ गए? Yes, ma'am. Very good. दोस्तों नमस्कार। GTBT यानी गुड टच एंड बैड टच। गुड टच और बैड टच के बारे में अपने बच्चों को और उन सभी बच्चों को जरूर बताएं जिन्हें आप प्यार करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल मैसेज नहीं है बल्कि आज की जरूरत है। दोस्तों GTBT यानी कि गुड टच बैड टच के बारे में अपने बच्चों को और उन सभी बच्चों को जिनकी आप परवाह करते हो उनको जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ एक सोशल मैसेज नहीं है बल्कि आज की जरूरत है। थैंक यू। नमस्कार, आप GTBT कट करें? ओके, नेक्स्ट करें। आप सुनो, मैंने कहा और पेट से नीचे लगाने पड़ेंगे। कान में फंस रहा है।